बिहार के सीएम नीतीश कुमार का सब्र अधिकारियों के साथ बैठक में टूट गया। शराबबंदी के मुद्दे पर हुई बैठक में नीतीश ने 45 मिनट तक अधिकारियों को जमकर हड़काया। नीतीश ने कहा कि सबको पता है कि कैसे शराब का कारोबार हो रहा है, 100-200 बोतल पकड़वा कर ट्रक निकाला जा रहा है। नीतीश ने पूछा कि कैसे चूहे शराब पिए जा रहे हैं और थानेदार क्या कुछ कर रहे हैं, वो थाने में बैठे भी रहे या मजे मार रहे हैं और क्यों नहीं ऐसे थानेदारों को बर्खास्त किया जाए। नीतीश ने पूछा कि क्यों नहीं माफियाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। नीतीश ने कहा कि उन्हें कई जगहों से शिकायत मिली है कि पुलिस और उत्पाद विभाग के गठजोड़ से पूरा कारोबार हो रहा है। नीतीश ने बैठक में पूछा कि अधिकारी आंख कान खोलकर काम क्यों नहीं कर रहे हैं और आखिरकार शराबियों को कैसे बेल मिल रही है, इतना कड़ा कानून होने के बावजूद शराबियों को कैसे जमानत हो रही है। साथ ही शराब का कारोबार रोकने के लिए नीतीश ने नया फरमान सुनाया है कि शराबबंदी के लिए पुलिस मुख्यालय में अलग से सेल बनेगा और हर सप्ताह आला अधिकारी शराबबंदी की समीक्षा करेंगे।